अब ये लोग छत पे जा रहे जा रहे हैं पापड़ उठाने के लिए, वो फिर रात में दिन भर सुखाओ और आज शाम को गीले करो। देखो भाई एक डॉगी चढ़ा कैसे ऊपर। आज देखो भाई क्या क्या मिला हमको, गुलाब का फूल मिला है और मस्त है टाइम पास करने का सब। भाई सांड ने भाई मेरा कूलर गिरा दिया और ये कहो जंजीर में बंधा हुआ था तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो वैसे तो प्लान था भाई नुमाइश जाने का, बट हमको कोई संगी नहीं मिल पाया नुमाइश जाने के लिए, इसलिए हम गए नहीं। मोहित बहुत बिजी रहते हैं भाई आजकल और रश्मित को हमने जानबूझ के नहीं बुलाया। फालतू तो बकवास करता है, अरे सूट ना करो हमें, ये देख लेंगे वो देख लेंगे, हमें ये कहेंगे वो कहेंगे, दुनिया भर की बातें करता है। इस चक्कर में हमने उसको डिलीट कर दिया। अरे ये क्या दिखा दिया यार मैंने, अरे किसी को चाहिए तो नहीं अरे किसी को चाहिए तो नहीं भाई, सिग्नेचर ले लो भाई खाली फिलहाल, पता नहीं बहुत दिन से रखी हमारे यहाँ। अरे मेहमान वगैरह आए थे एक बार तक की। तो करंट टाइम पे मेरे सात वीडियो ऐसे हैं जिन पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। इतना ज़्यादा कॉपीराइट आता है मेरी वीडियोस पे क्योंकि हम ना बहुत ही मतलब नए नए म्यूज़िक यूज़ किया करते हैं ना कभी कभी, तो उन पे आ ही जाता है। अभी देखो जो हेलमेट वाली वीडियो थी जिसमें हेलमेट नहीं दिखाया था, मतलब हेलमेट ने बचा लिया इस तरीके से, उस पर ना कॉपीराइट क्लेम आया है, वो भी 20 घंटे के बाद, पूरे पूरे 20 घंटे के बाद आया है, तुरंत नहीं आया। हम शॉप पे थे अचानक से मेरे पास मेल आई यूट्यूब वाली, तो उसमें कॉपीराइट आ गया। तो फिर अभी हम घर आए तो हमने उसको रिमूव किया है, कॉपीराइट क्लेम आया। और ये देखो जो नींबू का पेड़ था जो कि हमने लगाया था पता नहीं कब, गर्मियों में लगाया था, एंड अब देखो उसमें जाके फूल आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है, अरे मतलब किल्ले विल्ले आ रहे हैं देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नींबू लगने के चांसेस हैं। इस तरीके से देखो यहाँ पे किल्ले विल्ले आ चुके हैं, फूल उल आ चुके हैं बढ़िया तरीके से। टैलेंट देखो भाई टैलेंट, ये देखो टैलेंट, अरे गजब टाइम दिखाऊं मैं आपको क्या हो रहा है, ये देखना भाई रात के 8 बज रहे हैं और हमारे यहाँ ना अभी झाड़ू पोंछा चल रहा है। फिलहाल तो उसने पूरा रूम साफ ऑफ कर दिया बढ़िया तरीके से, लेकिन ये कौन सा टाइम है यार। अब ये लोग छत पे जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं पापड़ उठाने के लिए, वो फिर रात में दिन भर सुखाओ और आज शाम को गीले करो। गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखो कितनी धूल जमी हुई है इस बोलेरो पे, मार चुका होगा पड़ा है। अभी बज रहे हैं पूरे पूरे 9 और हम नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं, मंदिर जा रहे हैं। कल भी हम मंदिर गए थे ना तो हमने देखा था कि खाटू श्याम जी का जो सिर है वो बिल्कुल काला काला ब्लैक ब्लैक था, मतलब ऐसा मतलब कलर किया गया है ना। अब बट ऐसा क्यों किया गया फिर हमने ढूंढा इसके बारे में, तो बोला मतलब उसमें दिखा यूट्यूब पे कि अमावस्या के कारण ऐसा मतलब किया गया है, अमावस्या होने का तो ऐसा कुछ होता होगा। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़, कल तो मैंने शूट नहीं किया व्लॉग बट आज दिखाता हूँ। देखो भाई एक डॉगी चढ़ा कैसे ऊपर खो के ऊपर बैठा लेट गया फिलहाल तो, ये देखना भाई क्या सीन है। चढ़ा कैसे गया, मतलब चढ़ाया गया होगा उन्हीं का होगा, साइकिल की दुकान है ना अंकल जी की वहाँ पर। तो ये भाई पहुंच गए हैं हम, आज देखो भाई क्या क्या मिला हमको, गुलाब का फूल मिला है और ये प्रसाद बूंदी है इसमें, और आपने प्रतिमा देख ली होगी जिस तरीके से, फिलहाल तो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके सुबह सुबह। अरे आ जाओ कोई यार। तो घर आ गए हैं अभी और ये बहुत प्यारा लग रहा है यार, ये देखना भाई निकल चुके हैं घर से और टाइम हो रहा है 9:45 पूरे पूरे। देखो सोमवार मंगल बुध 3 दिन तो ठीक ठाक भीड़ होती है, शुक्र को थोड़ी बहुत हो जाती है, उसके बाद उससे पहले तो सन्नाटा रहता है यहाँ पे। ये सीन है भाई यहाँ का, और हवा इसमें शांत है बहुत अच्छी बात है, वरना इतनी धूल उड़ती है भैया परेशान हो जाते हैं क्या बताएं। चलो अब देखते हैं आज क्या होता है, आ गए फिलहाल अपनी मंजिल पे। तो भाई अभी दोपहर के 2:30 बज रहे थे यहाँ पे कचहरी में, और ये एक कार चलते चलते ना अचानक से इसका पहिया निकल गया पूरा, इस तरीके से देखना भाई, मतलब पता नहीं कैसे क्या हुआ ये अचानक से ऐसे हो गया। और वहाँ पे लोग भीड़ लग के देखने लगे थे, फिर हम भी गए कैमरा लेके भाई, हमने भी थोड़ा सा शूट किया इसको, और फिर इतने दिन कस्टमर आ गया तो हमें भाग के जाना पड़ा दुकान पर। भाई अभी हम ना घर पर आ गए हैं और टाइम हो गया है पूरे पूरे 6:15, और हम देखो क्या कर रहे हैं, ये चलाया था ये भिंगी पता नहीं क्या होती है, मतलब इसका हमें नाम नहीं पता है, आप लोगों को तो पता ही होगा अगर कमेंट करना अगर पता हो तो। ये बड़ा अच्छा मतलब टाइम पास करने के लिए ऐसे इसको नचा दो और काफ़ी देर तक नाचता है ये, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, मेरा ट्राईपोड कहाँ है यार पता भी नहीं। ये देखो भाई कितना मस्त है, टाइम पास करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे। ओह एक उंगली पे नाच रहा है, एक उंगली पे, उंगली पे, ओए ओए चिढ़ गया। अब के देखना, ये देखना भाई पूरी उंगली पे एक डांस कर रहा है, पूरी उंगली पे
ये शायद 10 रुपये का मिलता है या 20 रुपये का मिलता है, ऐसे कुछ मिलता है। टाइम पास करने के लिए बहुत सही है, मतलब नचाते रहो नचाते रहो नचाते रहो। इसमें छल्ले वल्ले लगे, देखता कितने देर नाचेगा अभी देखना। अभी भी नाच रहा है, अभी भी नाच रहा है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखना ये देखना। अरे सॉरी, ये देखना, पता नहीं इसके स्पिन स्पिनी ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, स्पिन पता नहीं कुछ बोलते हैं। ये देखिए गाइस, अभी भाई हम जा रहे हैं कुंती नर्सिंग होम, वो भी फर्स्ट टाइम। और थोड़ा काम है, कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं वहाँ दादा को, तो उनके सर वगैरह हैं, बस वो देख के चले जाएंगे और देख भी लेंगे ये कहाँ पे है। मेरे ख्याल से मेरा डाकेज आगे बताया गया है। तो भाई हमारे यहाँ काम चल रहा है, जो गैस पाइपलाइन पड़ी है अभी हाल ही में जो गड्ढे वड्ढे खोदे गए थे ना, उसका कनेक्शन किया जा रहा है। तो ये लोग रात रात में काम कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ भी किया जाएगा, तो हम आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है। भाई साइकिल गिरा दी दारू पी के, ऐसे ऐसे लोग हैं। ये देखना भाई डोमिनोज। भाई एक समय था जब इस टाइम पे यहाँ पे जगह नहीं मिलती थी, लोग परमानेंट खड़े रहते थे और बाहर तक लाइन लगी रहती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब यहाँ कोई पहुँचने ही नहीं आता है भाई डोमिनोज में। तो भाई बस ना वो स्टार्टिंग में क्रेज़ था डोमिनोज का अर्धवीन वालों के लिए कि हाँ भाई डोमिनोज खुला है अर्धवीन में, चलो चलो चलते हैं देखते हैं कैसा क्या सीन है, फिर इंस्टाग्राम में फोटो खींच कर डालेंगे स्टोरी लगाएंगे, ये सब सीन है। बस वो सब खत्म हो गया, डोमिनोज में सन्नाटा हो गया। तो ये सीन है भाई, और हम तो कभी आज तक गए नहीं यार हम। ये भाई पहुँच गए हम लोग, अरे कहाँ गया अरे कहाँ गया कुंती नर्सिंग होम। ये लिखा, ये लिखा भाई। अभी ना हम घर आ गए और ये देखो यहाँ पे सांड ने क्या किया है। आह हाँ हाँ, बहुत सही, सांड ने भाई मेरा कूलर गिरा दिया। और ये कहो जंजीर में बंधा हुआ था तो लटक गया, वरना ये धड़ाम से पीछे गिरता और इसके अंजर पंजर सब निकल जाते। वैसे भी पूरी जंग खा गया है यहाँ पर लगे लगे। अरे इसने बल देखो कहाँ फेंक दी गधे ने, ये देखो ये हमारे मोहल्ले बच्चे ऐसे ही हैं। अरे तुम तेज कह रहे हो ना, मार मत देना किसी के, हम ये कह रहे हैं मतलब फेंक। अरे हटो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। ए सुनो, ऐसे कूलर से गिराओ, पहले कूलर से गिराओ। यार सांड ने गिरा दिया यार, देखो यार ये सब बंधा हुआ था यार यहाँ पे, और ये कैसा जंगल हो गया। अबे आ इधर 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 आ, आ तुम भी आ, तुम भी ये का सही करो, कूलर के सही करो। अबे कूलर बोला, तुम ईंटे उठा रहे हो कूलर सही करो, तिरछा हो गया, जंजीर टूट गई क्या। अरे रुको यार, उठाना पड़ेगा ऐसे। अरे रुको रुको, हाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, लगा दे, शाबाश। उधर भी लगाओ, उधर भी लगाओ, ये छोटा लाड़ा, छोटा लाड़ा, ये छोटा लाड़ा हटाओ, इसको बीच में करो पड़ेगा। बस नहीं, बस नहीं, हाँ नहीं, लाइक करें। अरे बस छोड़ दे यार, बस कर बस कर, हटो हटो हटो, बस करो। देखो यहाँ पे बालू खेलने में छोटे बच्चे, बस कर ठीक। अरे गजब। तो भाई हम आ गए ऊपर, एंड अभी ना इस ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे हमने सोचा था कि आज ब्लॉग को डालेंगे नहीं, आज गेप कर देंगे, बट यार मन नहीं माना, कि सोचा कि चलो बना ही लेते हैं ब्लॉग, यार कहा है फालतू तोड़ेंगे डेली ब्लॉगिंग को। तो इसी था भाई, और बना दिया हमने। आशा करते हैं ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया नया सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आप लोगों से कल के नए ब्लॉग में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टाइम हो रहा है सब के 15 मिनट, 8 बजे ये ब्लॉग आना था बट लेट हो जाएगा। बाय बाय। बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। ए इधर इधर इधर, इतने ध्यान से कहाँ देख रही क्या फालतू नौटंकी देख रही, देखो इतने ध्यान से देख रही क्या चाहिए ये नहीं दूंगा।